वणकम पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम यार। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, क्योंकि मैं पहले बात कर चुका हूँ इसकी मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ तक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। तो इससे पहले जितने भी की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड यूट्यूब चैनल पे हो चुकी हैं, तो आप में से कोई देखना चाहते हैं तो उसे देख सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं आज एल्बिनिज़म के बारे में। एल्बिनिज़म के बारे में आपको ये बताना चाहिए स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्टली आपका वैभव में क्वेश्चन पूछा जाता है और MCQs में आता है। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? मेलानिन की प्रोडक्शन की डेफिशिएंसी से होता है। कहाँ पे इसके इफेक्ट्स होते हैं? स्किन पे, हेयर पे, आइज पे। इसके अलावा कौन सी डिजीज़ है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। टाइप 1 एल्बिनिज़म में क्या हो रहा है, ये सारा आपने इस तरह से करना होता है। होमोसिस्टिन्यूरिया के बारे में आपने देखना है, होमोसिस्टिन्यूरिया क्या है, वो इसमें क्या क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। इसमें देखना है कि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है। और इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको इससे दो तीन पेज पहले जो मैंने आपको बताया था कि होमोसिस्टीन जो था सिस्टाथायोनिन में जा रहा था, वहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहा था सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये सब कुछ होता है। तो आपने इसको लाजमी याद कर लेना है। सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस मोस्टली आपके MCQs में आता है। और इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसिस भी इसकी एक मेजर काज है। ये सारा का सारा आपने स्टूडेंट्स करना, ये आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है एल्कैप्टोन्यूरिया के बारे में। एल्कैप्टोन्यूरिया जो है इसका आ जाता है सारा का सारा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, होमोजेंटिसिक एसिड यूरिया इसकी वजह से होता है। और इसकी एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है वो है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। और इसमें क्या होता है, डार्क पिगमेंट होता है, यूरिन ब्लैक हो जाता है। ये आपने करना है लाजमी। और आपको जब भी वो इसका क्वेश्चन देगा तो वो आपको बताएगा जो पेशेंट है आफ्टर यूरिन वो ब्लैकनिंग हो जाता है, तो ब्लैकनिंग अक्कर हो जाती है, तो आपने इसको देख लेना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो बता रहा है कि यहाँ पे रेड था या येलो टाइप होगा तो यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। तो इसमें सब कुछ आपने देखना है। और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन स्टूडेंट्स में इसकी जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ऐड होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, तो वो मैं आपको इसके साथ बता देता हूँ ताकि आप वो भी वहाँ से देख लें। तो वो होगा चैप्टर नंबर 21 के लास्ट पे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है वो चैप्टर नंबर 21, और इसमें आ जाते हैं अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, तो इस अक्सर स्टूडेंट्स से मिस हो जाता है, इसलिए आपने इसको लाजमी देख लेना यहाँ से। इसमें स्टूडेंट्स आपको पता होगा कैटाकोलामीन की सिंथेसिस कैसे होती है, ये आपका वैसे क्वेश्चन है, अदरवाइज आप इसको रीड कर लें, इतने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछा नहीं गया आपसे। इसमें स्टूडेंट्स आपने ये टेबल देख लेना है कि सिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन में जस्ट आपको ये स्टेप्स के नेम आते हैं, टायरोसिन से डोपामीन, नार एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन, ये आपके दोनों कैटाकोलामीन से और कौन सा एंजाइम है, ये आपने लाजमी करना है। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसको आपने यहाँ से कर लेना है जो आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये भी आपने जस्ट रीड कर लेना है, आपसे ये मोस्टली पूछा नहीं जाता जिस डिग्रेडेशन वाला। पार्किंसन डिजीज़ के बारे में आपने यहाँ से रीड कर लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कोई ऐसा जितने इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है। इसमें एक टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट जिसमें आपका क्रिएटिनिन की सिंथेसिस आ जाती है, तो आपने यहाँ से जस्ट स्टेप्स देख लेने, आर्जिनिन ग्लाइसिन मिलके ये क्या बना देंगे, ये सारा इसका पॉइंट देख लें। और इसके बाद क्रिएटिन की सिंथेसिस होगा, क्रिएटिन फास्फेट बन जाता है, जस्ट इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी देख लेना, क्रिएटिनिन बन गया, वाटर यहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है, और ये भी आपने पॉइंट्स दोनों देख लेने हैं, तो आपको ये मोस्टली इस तरह से पूछा जाता है। अदरवाइज ये समरी लाजमी किया करें स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इस समरी से आपके मोस्टली MCQs क्लिक हो जाते हैं और आपसे आपका इस चैप्टर का ओवरव्यू भी बन जाता है मोस्टली, तो आपने इसको लाजमी कर लेना होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनबॉक्स कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।